सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। स्वच्छ ऊर्जा बना कूटनीति का अहम हिस्सा, छोटे देशों के साथ भी ग्रीन एनर्जी संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटा भारत। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीयों को किया संबोधित, कहा अब समय नहीं गवाएगा भारत, कांग्रेस पर साधा निशाना। जर्मनी के साथ हुए समझौतों में सिर्फ देश नहीं दुनिया की भी फिक्र, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहे समझौते। पावर संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन, अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, बिजली की मांग पर नजर रखने का दिया निर्देश। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर बने प्रधानमंत्री के सलाहकार, कई अन्य विभागों में भी हुए फेरबदल। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.9% ही रह गई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट में दावा। नशे में धुत महिला अफसर को सड़क पर ड्रामा, पड़ा महंगा, सीएम योगी ने दिया निलंबित करने का निर्देश। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों की रिपोर्ट पर अब जिलों में तैनात अफसरों के शुरू होंगे तबादले, लिया जा रहा फीडबैक। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे होंगी अयोध्या की सुरक्षा, वाहिनी के लिए जल्द भूमि तलाशने का निर्देश। एटीएस की विशेष अदालत में पेश किया गया अब्बासी, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। जर्मनी का बड़ा ऐलान, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को 2030 तक देगा 10 अरब यूरो की मदद। जयशंकर ने की जर्मन समकक्ष बेयरबॉक से मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर की चर्चा। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस सेना के हमले जारी, ट्रंप बोले बाइडेन ने अमेरिका को किया शर्मसार। रूस से तेल और कोयले की खरीद तत्काल रोक सकता है यूरोप, सबसे बड़े खरीदार जर्मनी ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। 7 विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत जर्मनी के संबंध। 66 साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल ने उम्र में 28 साल छोटे बुलबुल साहा से रचाई शादी, लिए साथ फिरे। नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने केकेआर को दिलाई जीत, राजस्थान को 7 विकेट से हराया। एमएस धोनी, कोहली और रोहित के खिलाफ मध्य प्रदेश में जनहित याचिका दायर, अलाइन सट्टा और जुए को प्रमोट करने का आरोप। क्रिकेटर केएल राहुल ने की मोहसिन खान की गेंदबाजी की तारीफ, केएल राहुल अपनी ही टीम के तेज गेंदबाज को नहीं करना चाह रहे फेस। वॉशिंगटन सुंदरफेट से चोटिल हुए टॉम मूडी ने कहा सीएसके के खिलाफ उनकी कमी खली। कंगना रनौत ने मीटू कैंपेन को लेकर किया खुलासा, कहा इसे सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया था। पलक तिवारी को उनकी रैप वॉक के लिए लोगों ने किया बुरी तरह ट्रोल, कहा अपनी मां की तरह ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। आलिया भट्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाई दौड़, भीड़ के बीच अपने हीरो को ढूंढती आई नजर। आजमा फला पहुंची ग्रैंड फिनाले, चार्जशीट राउंड में पायल रोहतगी ने
सिलेक्शन पर उठाए सवाल। महेश बाबू की सरकारू वारी पाटा का ट्रेलर आउट, एक्टर का दिखा दमदार एक्शन। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।